मार्केट से अच्छी और सस्ती बिना किसी मिलावट के एकदम आसान तरीके से मुंह में घुल जाने वाली ऐसी टेस्टी नारियल की बर्फी आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नारियल बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक पैन लेंगे और इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ताजे वाले नारियल हो तो उसे भी यूज कर सकते हैं। उसका नारियल का ऊपर वाला ब्राउन वाला पार्ट होता है ना छिलका, उसे हटा दे और नारियल को ग्रेट करके आप यहाँ पर उसकी भी बर्फी बना सकते हैं। तो नारियल को यहाँ पर हमें लो फ्लेम पर ना 3 से 4 मिनट भून लेना है। इसका कोई कलर वगैरह चेंज नहीं करना है भूनते हुए। तो 3 से 4 मिनट भूनते हुए यहाँ पर हो चुका और यहाँ पर देखिए इससे अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर गैस ऑफ कर देंगे, नारियल यहाँ पर भून चुका है। अब हम एक बर्तन में यहाँ पर दूध डालेंगे, तो दूध हमें फुल क्रीम ही लेना है। तो मैं 2 कप दूध ले रही हूँ, 1 कप में 250 ml आता है, तो 2 कप में दूध डाल रही हूँ यानी कि यहाँ पर 500 ml है, आधा लीटर दूध हमें लेना है फुल क्रीम। और यहाँ पर हमें क्या करना है ना कि इसे चलाते हुए इसमें उबाल आने देना और दूध को हमें ना आधा सुखा लेना है। तो पहले तो इसमें उबाल आने देंगे। तो उबाल आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें 1/3 कप में चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको मीठा ज्यादा हल्का पसंद हो तो आप 1/2 कप भी यहाँ पर चीनी डाल सकते हैं। और चीनी डालने के बाद अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, या 2 से 3 इलायची आप कूट कर डाल सकते हैं। और दूध को यहाँ पर चलाते हुए आधा सुखा लेना है, यानी कि 2 कप दूध है तो इसे हमें 1 कप कर लेना है सुखाते हुए। तो यहाँ पर देखिए दूध है वो लगभग आधा हो चुका है, यानी कि 1 कप हो चुका है। तो अब हमने जो नारियल भून कर रखा है ना इस दूध में डाल देंगे और यहाँ पर इसे चलाते हुए अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। तब तक इसे चलाते हुए मिक्स करना है जब तक ये दूध है नारियल में अच्छे से मिल ना जाए, अच्छे से सूख ना जाए नारियल में। तब तक इसे चलाते हुए ना हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूध है अच्छे से मिक्स हो चुका है, नारियल है वो पैन छोड़ रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और एक थाली लेंगे, उसे घी से ग्रीस कर देंगे और उसके बाद हमने जो यहाँ पर नारियल तैयार किया है ना दूध में मिक्स करके, इसे इस थाली में डाल देंगे। और उसके बाद इस थाली में ना आप अच्छे से फैला दे इसे, गोल शेप में, स्क्वायर शेप में, जैसा भी आप चाहे इसे अच्छे से इस तरीके से फैला दे चिकना करके। और इसे फैलाने के बाद आपको क्या करना है ना कि इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे 1/2 से 1 घंटे के लिए, जब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका, अच्छे से ये ठंडा भी हो चुका है और सेट भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे काट लेंगे। तो जैसा भी साइज या शेप पसंद हो ना, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, ट्रायंगल शेप, उस शेप में आप इसे काट लीजिए। और बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी और एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली नारियल की बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे काट लिया, लेकिन अभी एक चीज और इसे करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका थिकनेस है ना, मैंने इसे इतना रखा है, आप इससे हल्का मोटा या पतला भी रख सकते हैं। अब हम इस नारियल की बर्फी को डेसिकेटेड कोकोनट में इस तरीके से कोट कर लेंगे। इससे क्या होता है ना कि ये देखने में ऊपर से और भी ज्यादा अच्छे और टेस्टी दिखते हैं। आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो एकदम आसान तरीके से मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी नारियल की बर्फी बनकर तैयार होती है। और इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, आप भी बनाए खाए इंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के।